हबुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा के शहर टोरंटो की मेयर ओलिविया चाओ की नई एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम फैसला। कमेटी ने अहम मंसूबे की मंजूरी दे दी। नई पार्किंग लेवी और म्यूनिसिपल सेल्स टैक्स के निफास का इम्कान। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो में तूफान का खसूसी बयान खत्म। 30 से 50 मिलीमीटर तक की तूफानी बारिशों की वार्निंग दी गई थी। शहर के लिए खसूसी फॉग एडवाइजरी जारी कर दी गई। कैनेडियन वजीर आजम G20 इजलास में यूक्रेन को मदऊ न किए जाने पर नाखुश। जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि इस बात को यकीनी बनाते रहेंगे कि दुनिया यूक्रेन के साथ खड़ी है। जेलेंस्की ने ट्रूडो का क्लिप शेयर कर दिया। इलेक्शन में मदाखलत का केस, ट्रंप की गिरफ्तारी और रिहाई। ट्रंप को $2 लाख के मचल के जमा करवाने पर रिहाई मिली। साबिक सदर ट्रंप की जेल में कैदियों वाली तस्वीर बनाई गई। रूसी सदर का वैगनर ग्रुप के सरबराह की हलाकत पर बयान सामने आ गया। प्यूतिन का कहना था कि प्रिगोजिन ने अपनी जिंदगी में संगीन गलतियां की जिसके नतायज भी मिले। यूगेनी प्रिगोजिन बहुत सी सलाहियतों का मालिक था। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा के शहर टोरंटो की मेयर ओलिविया चाओ की नई एग्जीक्यूटिव कमेटी ने टोरंटो की संगीन माली सूरत हाल से निमटने के लिए एक मंसूबे की मंजूरी दे दी है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर टोरंटो की मेयर ओलिविया चाओ की नई एग्जीक्यूटिव कमेटी ने टोरंटो की संगीन माली सूरत हाल से निमटने के लिए एक मंसूबे की मंजूरी दी है। जब शहर के अमले ने मालियाती बहरान से निमटने के लिए मुतादिद नए टैक्सों और फीसों की सिफारिश की थी। मंजूरी का मतलब है शहर के अमले की रिपोर्ट और उसकी सिफारिशात को काउंसिल के सितंबर के इजलास में ज़ेरे गौर लाया जाएगा। जुमेरात को एग्जीक्यूटिव कमेटी की जानिब से मुतफिक का तौर पर मंजूर होने वाली ये रिपोर्ट नए रेवेन्यू टूल्स और सूबाई और विफाकी हुकूमतों की मजीद मदद के बगैर टोरंटो के मुस्तकबिल की खौफनाक तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शहर को एक बेमिसाल मालियाती बहरान का सामना है, जिस पर अगर तवज्जो ना दी गई तो इसकी माली बुनियादों को खतरा लाहक है। इजलास से खिताब करते हुए मेयर ओलिविया चाओ का कहना था कि मेरे ख्याल में आज एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने जो कुछ है वो उन तमाम ऑप्शंस को इकट्ठा करना और ये कहना है कि हमें कुछ करना है। ओलिविया चाओ ने कहा कि मुमकिन नए टैक्सों का मकसद टोरंटो के रिहायशियों को मुतासर करना नहीं है जो माली तौर पर जद्दोजहद कर रहे हैं। मेयर ने कहा कि शहर के अमले की तरफ से हमारे सामने पेश करदा कुछ इख्तियारात ऐसे लोगों को निशाना बना रहे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा रकम है। रिपोर्ट के मुताबिक शहर लैंड ट्रांसफर टैक्स और खाली मकान के टैक्स में इजाफा कर सकता है और साथ ही एक नई पार्किंग लीवी और म्यूनिसिपल सेल्स टैक्स को लागू कर सकता है ताकि इंतहाई जरूरी फंड्स इकट्ठे किए जा सकें। टोरंटो को म्यूनिसिपल सेल्स टैक्स के निफाज के लिए सूबाई हुकूमत से इजाजत दरकार होगी और अभी तक ऑन्टेरियो हुकूमत ने ये नहीं कहा है क्या आया वो इस इकदाम को मंजूर करेगी या नहीं। टोरंटो में तूफान का खसूसी बयान खत्म हो गया है, जबकि एनवायरनमेंट कनाडा ने 30 से 50 मिलीमीटर तक की तूफानी बारिशों की वार्निंग दी थी। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में तूफान का खसूसी बयान खत्म हो गया है, जब एनवायरनमेंट कनाडा ने 30 से 50 मिलीमीटर तक की तूफानी बारिशों की वार्निंग दी थी। मौसमियाती एजेंसी की जानिब से शहर के लिए खसूसी फॉग एडवाइजरी जारी की गई है।
जनूबी ऑन्टेरियो के बहुत से इलाकों में धुंध के इलाके तैयार हुए हैं और आज सुबह तक बनते रहेंगे। धुंध सुबह के वक्त तक बरकरार रहेगी। करीब सिफर की नुमाइश के साथ घने धुंध के पैच मुमकिन है। कुछ मकामात पर मरियत कम होने की वजह से सफर के खतरनाक होने की तवक्को है। अगर ड्राइविंग के दौरान मरियत कम हो जाए तो अपनी लाइट्स ऑन करें और महफूज फासला बरकरार रखें। कनाडा की मौसमियाती एजेंसी ने कहा कि गरज चमक के साथ तूफान जुमेरात की शाम तक खत्ते में जुनूब मशरक की तरफ बढ़ेगा, जिसमें बुनियादी खतरात ओले और शदीद बारिशें थी। GTA के दूसरे हिस्से भी इसी तरह के शदीद तूफान की निगरानी में थे, लेकिन उनको हटा दिया गया है। इसमें दीगर इलाकों के अलावा हॉल्टन, पील, हैमिल्टन और वाटरलो वेलिंगटन शामिल हैं। पूरे जनूबी ऑन्टेरियो में बड़े पैमाने पर शदीद गरज चमक के इंतबाहात थे। इस वीकेंड पर शहर का मौसम मिला जुला रहने का इम्कान है। हफ्ते के आखिर में शुरू होने के लिए दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के है। हफ्ते को दिन के वक्त ज्यादा से ज्यादा 23 सेंटीग्रेड के साथ मजीद बारिश मुतवक्के है और बिखरे हुए तूफानों के इम्कान हैं। इतवार को धूप निकली रहेगी। मौसम ठंडा होने के बावजूद दर्जा हरारत दिन के वक्त 22 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वो इस बात से खुश नहीं है कि यूक्रेन को हिंदुस्तान में होने वाले G20 सरबराही इजलास से खारिज किया जा रहा है, यहाँ तक कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन मधु की फहरिस्त में शामिल हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वो इस बात से खुश नहीं है कि यूक्रेन को हिंदुस्तान में होने वाले G20 सरबराही इजलास से खारिज किया जा रहा है, यहाँ तक कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन मेहमानों की फहरिस्त में शामिल हैं। ट्रूडो ने मशरकी यूरोपीय मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर फोन पर बातचीत के दौरान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से कहा कि मैं मायूस हूँ कि आपको शामिल नहीं किया जाएगा। गुफ्तगू का एक क्लिप ज़ेलेंस्की के इंस्टाग्राम फीड पर पोस्ट किया गया था। ट्रूडो 9 से 10 सितंबर तक नई दिल्ली में दुनिया की बड़ी मईशतों के इजलास में शिरकत करेंगे। ऑडियो क्लिप के मुताबिक उन्होंने ज़ेलेंस्की को यकीन दिलाया कि उनके मुल्क की आवाज़ सुनी जाएगी। ट्रूडो ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए मजबूती से बात करेंगे और हम इस बात को यकीनी बनाते रहेंगे कि दुनिया यूक्रेन के साथ खड़ी है। यूक्रेन के सदर ने कहा कि कनाडा यूक्रेन की आज़ादी को तस्लीम करने वाले पहले ममालिक में शामिल था और वो उन मुश्किल वक्तों में हिमायत करने वाले रहनुमाओं में शामिल है। ज़ेलेंस्की ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों ममालिक 1991 से करीबी दोस्त और मजबूत शराकत दार हैं और इन मुश्किल वक्तों में भी साथ खड़े हैं। यूक्रेन के सदर ने मजीद कहा कि वो मुस्तकबिल करीब में कनाडा के वजीर आजम से मुलाकात की तवक्को रखते हैं। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के सदारती इंतखाबात में मदाखलत के केस में गिरफ्तारी दे दी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के सदारती इंतखाबात में मदाखलत के केस में गिरफ्तारी दे दी। ट्रंप की जानिब से $2,00,000 मचल के जमा कराने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। अमरीका की तारीख में किसी भी साबिक सदर पर फौजदारी जराइम का इल्ज़ाम नहीं लगा, ताहम ट्रंप 4 मुख्तलिफ मुकदमात का सामना कर रहे हैं और उन पर मजमूई तौर पर 91 इल्ज़ाम हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेशी के मौके पर साबिक सदर ने दावा किया कि उन्हें मुकदमे में घसीटना असल में 2024 में होने वाले सदारती इंतखाबात में उनके उम्मीदवार बनने की राह में रोड़े अटकाने की कोशिश है। इलेक्शन को चैलेंज करने का पूरा हक है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के सदारती इंतखाबात में रियासत जॉर्जिया के इंतखाबी नतायज को बदलने की कोशिश के केस में गिरफ्तारी पेश कर दी, जिसके बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। मुकदमे में गिरफ्तारी देने के लिए साबिक अमरीकी सदर जुमेरात की शाम एटलांटा के फिल्टन काउंटी जेल पहुंचे। फिल्टन जेल में सदर ट्रंप की कैदियों के लिबास में तस्वीर बनाई गई। अमरीका की तारीख में किसी साबिक सदर की जेल में तस्वीर, जिनको मिकशॉट कहा जाता है, बनवाने का ये पहला मौका है। पिछले 5 महीनों में चौथी बार सदर ट्रंप को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर क्रिमिनल मुकदमा चलाया गया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूस के वैगनर ग्रुप के सरबराह युगेनी प्रिगोजिन की हलाकत पर बिलआखिर खामोशी तोड़ दी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूस के वैगनर ग्रुप के सरबराह युगेनी प्रिगोजिन की हलाकत पर बिलआखिर खामोशी तोड़ दी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वैगनर ग्रुप के सरबराह युगेनी प्रिगोजिन की हलाकत पर खामोशी तोड़ते हुए बयान जारी कर दिया। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि युगेनी प्रिगोजिन बहुत सी सलाहियतों का मालिक था। उसने न्यू नाजियों के खिलाफ जद्दोजहद में अहम किरदार अदा किया। पुतिन का कहना था कि वैगनर ग्रुप का सरबराह प्रिगोजिन एक पेचीदा तकदीर का आदमी था। उसने अपनी ज़िंदगी में संगीन गलतियां की, जिसके नतायज भी मिले। ख्याल रहे कि वैगनर ग्रुप ने जून में रूसी सदर पुतिन के खिलाफ बगावत का ऐलान किया था
غیر ملکی میڈیا کے مطابق روس میں طیارے کے حادثے میں روسی نجی ملیشیا ویگنر گروپ کے سربراہ یوگینی پریگزون سمیت 10 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ طیارہ ماسکو سے سینٹ پیٹرزبرگ جا رہا تھا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق طیارے میں عملے کے 3 افراد سمیت 7 مسافر سوار تھے اور حادثے میں کسی کے بچنے کی کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ویگنر گروپ کے ٹیلی گرام چینل پر ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ طیارے کو زمین سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی روسی ہم منصب پر الزام عائد کیا تھا کہ ویگنر گروپ کے سربراہ کی موت کے پیچھے پیوتن کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ بعد ازاں واشنگٹن سے جاری کردہ بیان میں امریکی حکام نے کہا کہ ممکنہ طور پر زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سے پریگزون کا طیارہ مار گرایا۔ پریگزون کی ہلاکت کی معلومات ابھی ابتدائی اور زیر جائزہ ہیں۔ واضح رہے کہ سربراہ ویگنر گروپ یوگینی پریگزون نے بیلاروس جلاوطنی کے معاہدے پر بغاوت ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستانی اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔